पाकिस्तानी सीमा हैदर अगर सेट पर आई तो उसे एक गोली मार देंगे। सीमा हैदर की वजह से फिल्म डायरेक्टर को मिली है खुलेआम धमकी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 दिल्ली NCR में। मैं हूँ पूनम अधिकारी। मेरठ के फिल्म प्रोड्यूसर और जाने माने प्रोडक्शन हाउस के मालिक अमित जानी ने पाकिस्तानी सीमा हैदर को अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया है और इसके बाद से ही वो चर्चा में बने हुए हैं। लेकिन अब फिल्म डायरेक्टर साहब की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि अब उन्हें सीमा को अपनी फिल्म में साइन करने की वजह से मिल रही है धमकियां और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर सीमा हैदर फिल्म सेट पर आती है तो उसे गोली मार दी जाएगी और साथ ही डायरेक्टर को भी। क्या है ये पूरी खबर वो बताने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ, पाकिस्तान से आई सीमा हैदर जिस फिल्म में काम करने वाली है उस फिल्म के डायरेक्टर ने सपा नेता अभिषेक सोम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें एक ऑडियो मिला है, इसमें मोनू मानेसर नाम का एक शख्स उन्हें लगातार धमकियां दे रहा है। अमित जानी ने आरोप लगाया है कि उन लोगों ने कहा है कि अगर सीमा हैदर फिल्म के सेट पर आती है तो उसे गोली मार दी जाएगी। अमित जानी ने सोशल मीडिया के जरिए यूपी पुलिस तक अपनी ये शिकायत पहुंचाई है। अमित जानी पिछले साल राजस्थान में हुए टेलर कन्हैया लाल हत्याकांड पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म का नाम अ टेलर मर्डर स्टोरी है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर इसमें रॉ एजेंट का रोल निभा रही है, लेकिन अब सीमा हैदर को अपनी फिल्म में कास्ट करने वाले अमित जानी को धमकियां दी जा रही है। डायरेक्टर का कहना है कि उन्हें एक अज्ञात नंबर से लगातार धमकियां मिल रही है। इसमें सामने वाला युवक खुद को मोनू मानेसर बताकर उन्हें धमका रहा है। उसका कहना है कि सीमा हैदर सेट पर आई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आपको बता दें कि फिल्म अ ट्रेलर मर्डर स्टोरी के प्रोड्यूसर अमित जानी रिहर्सल के लिए सीमा हैदर को डायलॉग भी भेज चुके हैं। इस फिल्म में वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर को लेकर चल रहा विवाद भी दिखाया जाएगा। इस फिल्म में सीमा एक अहम किरदार निभाती नजर आएगी। फिल्म में रॉ एजेंट बनी सीमा हैदर आईबी अफसर से कोड वर्ड में बातचीत करती भी दिखेगी। लेकिन फिलहाल सीमा हैदर के साथ साथ उनकी फिल्म के डायरेक्टर की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं क्योंकि अब उन्हें खुलेआम धमकी मिल रही है। अब आगे इस पूरे मामले में क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के बाद इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।